जिसमें हमारे राइम छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे आइटम डिस्कस करते हैं जो कि कल के लिए आपको कोई अच्छा प्रॉफिट गेन अच्छा गेन दे सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा एक नज़र डालते हैं कि आज मार्केट में किसने बाई किया और किसने सेल किया पीपीपी डेटा पे। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने टोटल सेल बाई किया है और अदर सेक्टर्स में अच्छा खासा बाई किया है। बाकी माइन्यूट सी सेलिंग है, ओएमसी ऑयल में बाई किया है बाकी ने, और इंडिविजुअल्स ने बाई किया है और अदरवाइज बाकी सारों ने थोड़ी थोड़ी करके सेलिंग ही की है। और इंश्योरेंस कंपनी ने अच्छी सेलिंग की है, लेकिन ये कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग अदर सेक्टर्स में की है जिसमें कॉर्पोरेट्स ने बाई किया। तो इस प्रोफाइल पे ना कोई अनकंक्लूसिव सा डेटा है ना, कोई बंदा कंक्लूजन नहीं निकाल सकता इसे ना। तो ये है कि कल भी रेंज बाउंड टाइप चीज जो है ना वो हमें देखने को मिलेगी। जब तक मार्केट को अगर देखें तो जब तक मार्केट का ये लेवल जो है ना सस्टेन है ना, ये 350 से लेकर 250 तक का, ये जो जब तक रीजन ये सस्टेन है मार्केट का, तो तब तक मार्केट मतलब सेफ हैंड्स में है, मतलब मार्केट जो है ना सही करेगी। अदरवाइज जब ये टूटेगा तो जो है ना ये आपको 600 तक 700 तक भी गिरा सकती है ना, 4700 तक गिरा सकती है। तो इससे उससे ऊपर मार्केट ठीक है, मतलब कि आप अपने स्क्रिप्ट में कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो कि अच्छा गेन देंगे। रेंज बाउंड सिचुएशन में यही होता है ना, कुछ कुछ स्क्रिप्ट चल जाते हैं, कुछ बेटर आ जाते हैं और कुछ नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो रेंज बाउंड एक अनडिसाइसिव सिचुएशन होती है। तो उसके बाद ये मार्केट का थोड़ा सा लेवल है अपसाइड के लिए जो है ना, अपसाइड के लिए वही 600 का लेवल है और 900 का लेवल है, नीचे आने के लिए 250 से 300 तक का लेवल है सपोर्टिव, अदरवाइज फिर वो लंबा गिरेगा। उसके बाद जो आइटम कल के लिए अच्छा हो सकता है, देखिए ट्रेड की मीटिंग आ रही है, देखिए ट्रेड ने आज भी अच्छा गेन दिया था और अच्छा पिक मारा है इसने ट्रेड ने, तो आप कल भी इसको जो है ना वो पिक पे देख सकते हैं ना। और कल ये आपको 46.5 का लेवल दिखा सकता है, तो अगर कोई लेना चाहता है भाई तो वो यहाँ पे ले सकता है और स्टॉप लॉस के साथ ले सकता है, ठीक है। और 46 के लेवल तक मतलब जैसे अगर लेता है फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर लेता है तो कुछ शेयर 46 के ऊपर शेयर सेल कर दे, कुछ शेयर 46 के एंड पे जाके शेयर कर दे, तो मतलब इससे ऊपर जब ये क्लोजिंग दे देगा ना 47 से ऊपर फिर ठीक है, फिर आप 49 के लिए बैठ सकते हैं या 49 से 50 तक के लिए बैठ सकते हैं। तो इसका मेरे ख्याल परसों रिजल्ट है, तो रिजल्ट के बाद फिर ये डिसाइड करेगा कि इसने जाना किधर को। तो ये एक स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, शॉर्ट बेसिस पे देखें तो 2 hours की कैंडल जो है ना वो इतनी अच्छी बनाई है, आखिरी 2 hours में भी इसके अंदर बाइंग हुई है, तो एक अच्छा मतलब कि कल भी एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ा पिक पे रहेगा ना। तो उसके बाद देख लेते हैं GGL, जिसने बड़ी अच्छी मूव दी है आज, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आया था कोई शेयर होल्डर्स का जो बोनस मिलना है जिनको उनको अलॉट किया जाएगी, तो उसकी बेस पे माई थिंक कुछ भी मतलब मुझे लगता है कि उसकी बेस पे इसने रैली बना ली। तो इसने लास्ट 2 घंटों में बहुत सुपर किस्म की चाल चली और सुपर किस्म की चाल चली और एवरेज वॉल्यूम से बहुत ऊपर वॉल्यूम है, तो इसमें भी पिक कंटिन्यू रहेगी। और इसका जो लेवल है प्रॉफिट टेकिंग का वो ये अपने उसी पे ही क्लोज हुआ है, मतलब कि 30.6 के ऊपर ही 30 के पास पास क्लिक हुआ है। तो 30.2 के बाद ना अगर ये इससे ऊपर खुलता है या इससे ऊपर जाता है तो इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। और 30.8 से लेकर 30.4 के 1.4 के रीजन तक ना इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये अगर ये कल के दिन ये सस्टेन कर गया ना 30 से ऊपर वाला लेवल, तो फिर ये 33-34 तक भी जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये शॉर्ट टर्म बेसिस है, मतलब कल के लिए, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि लंबे लेके बैठ जाए, तो ये मतलब प्रॉफिट टेकिंग के लिए बेसिकली ना। तो अगर आपने कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो कोई अच्छा स्क्रिप्ट नीचे से लेना है और ऊपर बेचना है, तो उसके बाद हाँ नीचे से इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसकी 2 hours की जो है ना वो बता रही है आपको कि 28.2 और 29.2 जो है ना वो इसका अच्छा बाय लेवल हो सकता है और स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन 29 से नीचे का स्टॉप लॉस लगाए अगर ये नीचे आएगा फिर ये दोबारा 28 तक आएगा, तो 10-20 पैसे का ना इसको मार्जिन दें उसके बाद स्टॉप लॉस का, और अपसाइड में मैंने आपको बता दिया है। तो उसके बाद GGL, ऑब्वियसली ये GGL मूव करेगा तो GGL भी पीछे नहीं रहेगा, और GGL में मूवमेंट आज अच्छी आई है, GGL में काफ़ी दिनों से वॉल्यूम अच्छा लग रहा है
इंस्टाग्राम भी काफी दिनों से तो नहीं, खैर पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम सही लग रहा है और एवरेज वॉल्यूम तक अप्रोच कर चुका है ना, और इंस्टाग्राम भी पिछले 5 दिन से ऊपर की तरफ ही है ना, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। और ये जो है ना अच्छा, मतलब कि ये जब तक ये अब 17.23 से ऊपर ऊपर है ना, तो तब ये सही है। इसने कल अगर 17.8 का लेवल क्रॉस कर लिया, ठीक है जी, 17.8 का लेवल क्रॉस कर लिया, तो ये आपको 18.8 शायद ये अपर कैप भी लगा सकता है फिर, अगर ये इस तरह अग्रेसिव वॉल्यूम्स के साथ अगर ये 17.8 ब्रेक कर गया ना तो, और उसको सस्टेन कर गया 1 घंटा 2 घंटे, तो ये अपर कैप भी कल लगा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो नीचे आता है तो आप 17.2 पे इसको ले सकते हैं, तो ये 17.8 से 17.9 तक का जो लेवल है ना, ये इसको अग्रेसिव वॉल्यूम के साथ 1-2 घंटे जो है ना वो सस्टेन करना है अग्रेसिव वॉल्यूम के साथ, और अगर ये ऊपर की कैंडल बनाता है तो फिर ये कंटिन्यू रखेगा, फिर ये 18.8 और 19.2 तक जाएगा, ये लाजमी जाएगा, और कोई पता नहीं 21 तक भी जा सकता है, ये जिस तरह का मोमेंटम बना गया ना, अगर ये अच्छी रैली बना गया तो ये ऊपर भी आ सकता है। और RSI इसका फोटो आई खड़ी है मेरी आगे, RSI इसका 46 के ऊपर है, तो ये कल अगर 17.8 ब्रेक करता है ना तो ये फिर ऑलमोस्ट 50 को क्रॉस मार रहा होगा, तो इसने अपना पिछला रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल 5 अक्टूबर वाला ना, जो कि इसका 43 का था, तो इसका RSI जरा डेली बेस पे जरा ऊपर आया है ना, तो अगली रेजिस्टेंस जिसको 53 के ऊपर है, जो कि एक डबल बॉटम टॉप था, तो अगर ये क्रॉस मारेगा ना, इसका मतलब है ये फिर 21 की तरफ जा रहा होगा, तो कल या तो ये लॉक लगाएगा या फिर ये अच्छी क्लोजिंग देने की उम्मीद में है, तो ये भी अच्छा स्क्रिप्ट है, लेके बैठ सकते हैं आप इसके अलावा आखिरी स्क्रिप्ट जो है वो नेट सोल देख लेते हैं। नेट सोल ने भी आज अच्छी मूव दी है, ठीक है, नेट सोल का देखें तो नेट सोल को अगर हम देखें ना, तो नेट सोल ने बेसिकली अच्छी मूव दी और 102 103 के पास आगे क्लोजिंग दे दी है। अच्छा कल के लिए अब ये है, ये कल कल जो है ना, कल ये आपको 104 से 106 के रीजन में ट्रेड करेगा ये ना इंशाल्लाह ताला, तो अगर ये 104 106 के रीजन में ट्रेड करता है वहां पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है, लेकिन ये अगर ये क्लोजिंग दे देगा ना 104.5 से ऊपर की या 106 से ऊपर की, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, फिर इसका मतलब ये है कि ये 111 के लिए तैयार हो जाएगा और 111 से 114 का लेवल फिर इसके लिए ओपन हो जाएगा, तो मैग्डी इसके जीरो की तरफ आ रहे हैं, घटते 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 जीरो की तरफ आ रहे हैं, काफी दिनों बाद सितंबर के बाद आज ये कट लगाने को तैयार हो रहा है, तो इसको भी देख सकते हैं डेली बेस के लेवल पे, और अगर 2 आवर्स की बेस पे देखें तो इसको बस रेजिस्टेंस है 103, मतलब 103.8 की इसको रेजिस्टेंस है, अगर ये कल इसको क्रॉस कर गया तो ये 106 तक, मैंने जो आपको लेवल बताए हैं ना 106 तक, तो वहां तक हिट करेगा, प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं आप, 106 का लेवल क्रॉस कर गया और सस्टेन कर गया उसको, फिर ये 111 के लिए आएगा, तो कोई पता नहीं है क्या हो सकता है कल, और मेरा ख्याल है कि ये 104 तक तो ओपन होगा ही होगा, जाएगा ये 104 तक, तो उसके बाद सस्टेन की बात आ जाएगी कि सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता, अगर कर गया तो 106 चला जाएगा, वरना ये दोबारा नीचे आ जाएगा, और इंशाल्लाह ताला मार्केट ठीक होगी कल, रेंज बाउंड सिचुएशन है लेकिन ठीक होगी, तो इतनी ज्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है जब तक वो ये जो मैंने लेवल आपको बताया ना नहीं टूटे। तो ये था जी मेरी तरफ से नेट सोल का व्यू और इसका व्यू, तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, अपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।